वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चली विद्यारिका। सो गाइस, टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 17 ऑफ योर क्लास फोर्थ, दैट इज नंदिता इन मुंबई। तो ये उसका पार्ट वन रहेगा। हम पूरे चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जिसमें हम इसके पेज वाइज चलेंगे और पेज पे जितने भी एक्सप्लेनेशन आएगी, आपके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, उनको कवर अप करेंगे। सो आपका ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम पेज नंबर 137 एंड 138 कवर अप करेंगे। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओपन योर बुक्स विद पेज नंबर 137 एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। सो आपके चैप्टर का नेम है नंदिता इन मुंबई। तो देखो, नंदिता एक गर्ल है जो मुंबई जाती है और वो बताती है कि उसने मुंबई में क्या क्या एक्सपीरियंस किया और उसमें से कुछ बातें उसने आपके साथ शेयर की हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आई केम टू मुंबई अ मंथ अगो। तो नंदिता कह रही है कि मैं एक महीने पहले मुंबई आई थी। सिंस वी केम, मदर हैज़ बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, वी हैड टू कम टू मुंबई फॉर हर ट्रीटमेंट। तो वो किस लिए आई है मुंबई? अपने मदर के साथ, अपने मम्मा का ट्रीटमेंट करवाने के लिए। उसकी मम्मा बीमार हैं। द बिग सिटी मुंबई, आई हैव स्लोली गॉट यूज टू द सिटी। वो कहते धीरे धीरे मुझे उस सिटी की आदत हुई। आई स्टिल रिमेंबर द डे वेन मदर एंड आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट मुंबई स्टेशन। तो वो कहती मुझे याद है जब हम पहली बार ट्रेन से आए थे और जैसे ही हम स्टेशन पे उतरे, इट वॉज सो क्राउडेड, बहुत भीड़ थी। आई क्विकली कॉट होल्ड माई मदर्स हैंड, आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ मामा वुड फाइंड अस इन द क्राउन। तो वो कहती जल्दी से मैंने अपने मम्मा का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी और वो सोच रही थी कि कैसे उसके जो मामा हैं उसको ढूंढेंगे। अभी मामा क्या होता है? मामा मदर के ब्रदर, मतलब जो आपके मम्मा हैं उनके जो भाई हैं उसको मामा बोला जाता है। जस्ट देन आई हियर्ड समवन कॉलिंग लाउडली फ्रॉम बिहाइंड, नंदिता नंदिता, आई टर्न बैक एंड देयर वॉज मामा। तो कहती उसके बाद मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी जो नंदिता नंदिता बोल रहे थे, और वो कौन थे? उसके मामा जी। वी लेफ्ट द स्टेशन एंड वर सून ऑन आवर वे टू मामाज हाउस। और वो कहती हम स्टेशन छोड़ के मामा के हाउस, मामा जी के साथ चले गए। बट अगेन इट वॉज सो क्राउडेड एवरीवेयर। बट कहती रास्ते में भी बहुत क्राउडेड थी, बहुत भीड़ थी वहाँ पे। देयर वर मैनी हट्स लाइंड ऑल अलोंग द नैरो स्ट्रीट। नैरो स्ट्रीट होता है पतली गली, जैसे यहाँ पे दिखाई गई है पिक्चर में। तो कहते उस पतली गली के आसपास बहुत सारे घर थे। वी वेंट थ्रू द सी स्ट्रीट टू रीच मामाज हाउस। और हम उस पतली गली में से निकल के गए ताकि हम मामा जी के घर पे पहुँच सकें। सो मामा मामी देयर टू डॉटर एंड अ सन ऑल लिव इन वन रूम। तो देखो उसके मामा जी मामी जी, उनकी दो बेटियाँ और एक बेटा, सभी एक ही कमरे में रहते थे। नाउ आई टू लिव विद हर विद देम। इट इज़ हेयर दैट वी सिट स्लीप कुक वॉश ऑल इन वन रूम। मतलब उनके घर में सिर्फ एक ही रूम था जहाँ वो खाना बनाते थे, खाते थे, टीवी देखते थे, अपना वॉशिंग का काम करते थे, कुकिंग करते थे, स्लीपिंग सीटिंग सब कुछ वहीं होता था, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो। देखो यहीं पे किचन है, यहीं पे उनकी ड्रेसिंग रूम है, यहीं पे उसके जो मामा जी हैं वो सो रहे हैं, है ना, और यहीं पे जो बच्चे हैं वो खाना बना रहे हैं, ये किचन बनाई गई है और यहीं पे उनका वॉशिंग का सिस्टम है। सो माई हाउस इन द विलेज ऑल्सो हैज़ ओनली वन रूम, बट वी हैव सेपरेट प्लेसेस फॉर कुकिंग एंड फॉर बाथिंग। वो कहती वैसे तो हमारे घर पे भी ऐसे ही था कि एक ही रूम था, बट वहाँ पे कुकिंग एंड बाथिंग का अलग सिस्टम था। वी ऑल्सो हैव अ कोर्ट यार्ड आउटसाइड, और हमारा बाहर एक कोर्ट यार्ड भी था, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब कुछ एक ही रूम में है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है वाटर। वाटर जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से मुंबई में जो वाटर की कमी है और किस तरह से लोग वहाँ पे झगड़ा करते हैं। सो मामी, मामी क्या होता है? मामा जी की वाइफ, मामी सीमा। एंड आई गेट अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग एंड गो टू द पब्लिक टैप फॉर फिल वाटर। तो इट मीन्स उनके घर पे पानी नहीं आता, वो पानी कहाँ से लेके आती हैं? पब्लिक टैप से। कितने बजे उठ के? सुबह 4 बजे उठ के। ओ नो, यू वॉन्ट बिलीव हाउ मैनी फाइट्स देयर आर फॉर वाटर। वो कहते तुम बिलीव भी नहीं कर सकते, इतनी झगड़े, इतनी लड़ाइयाँ होती हैं वहाँ पे। इफ वी आर जस्ट अ लिटल लेट देन वी आर नॉट एबल टू फिल वाटर फॉर द डे। और अगर हम किसी दिन लेट हो जाते हैं, वहाँ लेट पहुँचते हैं, तो हमें पूरे दिन के लिए पानी नहीं मिलता। देयर इज नो टैप इन अवर हाउस इन द विलेज, द पोंड इन द विलेज हैज़ वाटर। तो वो कहते जिस विलेज में मैं रहती हूँ वहाँ भी हमारे घर पे टैप नहीं है, पर वहाँ पे एक पोंड है और यहाँ पे क्या है? पब्लिक टैप है।
It takes 20 minutes to walk to it. In summer, sometime the water in the lake get dry. तो वो बता रही है कि लेक में कई बार गर्मी में पानी नहीं भी होता. वो अपने विलेज की बात कर रही है, बट जो नंदिता की मामी का घर है मतलब मुंबई में, वहाँ पे एक टैप है जहाँ से सभी लाइन बना के पानी लेते हैं. तो ये कुछ सीन दिखाया हुआ है जहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो लेडीज हैं वो कितना झगड़ा कर रही हैं वहाँ पे. ठीक है, so this was your page number 138 and your part 1. If you have any doubt in this part, in this video, you can ask in the comment section. I will see you soon in the next video with the next two pages. Till then, take care and bye bye.